हाय गाइस, और आज है 31 मई और आज हमारा जो क्वारंटाइन पीरियड है वो टोटली ख़त्म हो चुका है। और अभी तो रात हो चुकी है, पूरा दिन काम वाम में निकल गया था। और जो मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे वो ये थी कि जब आप क्वारंटाइन सेंटर से जब आप निकलते हो, वहाँ से डिस्चार्ज होते हो, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं जिनको आपको संभाल के रखना पड़ता है। फर्स्ट चीज़ होती है कि वो छोटा सा टेम्पलेट आपको मिलेगा, उस पर जो है लिखा होता है कि आप इस डेट से इस डेट तक क्वारंटाइन में हो, और वो आपके घर के बाहर लगता है। तो उस दौरान जो है आपके घर पे किसी भी बाहर वाले बंदे का विजिट जो है वो अलाउड नहीं होता। तो और एक आपको मिलता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपको मतलब पूरा प्रोसीजर आपको आप उससे अग्री करते हो कि हाँ आप इतने दिन क्वारंटाइन में रह के आए हो और आप अब इतने दिन इतने से लेकर इतने दिन तक आप होम क्वारंटाइन रहोगे, और अगर इसी बीच में आप कोई भी ऐसा रूल जो है उसको वॉयलेट करोगे, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो अंडर 51 सेक्शन जो है लॉ है, उसको आप अगर ज़रा सा भी आप वॉयलेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर ज़रा सा भी इसको वायलेट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको उसको जो है वायलेट नहीं करना है, आपको टोटली रूल फॉलो करना है। तो हमने भी वही किया, हम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले, एक जगह पर हम सेपरेट रूम में रहे। वहाँ पर हमने पूरा जो है 7 दिन तो हम रहकर आए थे क्वारंटाइन सेंटर में, और जो बाकी 7 दिन थे वो भी हमने बिल्कुल अच्छे से फॉलो किए हैं। तो आपका जो है क्वारंटाइन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस सर्टिफिकेट को आपको इसलिए संभाल कर रखना है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी आप पर उंगली उठाए या आपकी कंप्लेंट करे तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ है और आप उसको दिखा सकते हो। बिल्कुल, तो कुछ बस ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।